पूरा देश जो है इनको देख रहा है, बधाई दे रहा है कि सही निर्णय आपने लिया, सही समय पर निर्णय लिया। और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां है वहां खुश है, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है, जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। अपनी इच्छा क्या है? अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? दो मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको? लेकिन जो इन्होंने मौका दिया हमको, उस पर इनके डिसीजन को भी हमको खड़ा उतरना है कि जो इन्होंने निर्णय लिया वो सही लिया। इनके लिए हम लड़ रहे हैं। कोई इधर उधर से बातचीत करता हो, गलत बात ना किया करे, तरह तरह की बातें होती है, कोई कुछ भी करेगा। जब हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई डगमगा नहीं। इन लोगों का सपना देखते रहिए, अब टूटेगा महागठबंधन, बताइए। सब जानना गया है इन लोगों को। अडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय। भले विचार में हम लोगों को अलग था, लेकिन ये तो अलग ही बात है। ये तो पॉलिटिकल विडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग। कोई नया कुछ एविडेंस नहीं, एक ही केस जो है 3-4 बार जांच हो करके बंद कर दिया गया, जिसका पार्लियामेंट में भी जवाब दिया गया कि कुछ नहीं है। डीए केस हुआ हमारे पूरे परिवार पे, जब डीए केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तब भी लगे पड़े इन लोग। लेकिन इन लोगों का शातिरपना जो है चलने वाला नहीं। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं।